global advertisers, scaling new heights in outdoor media. Come on, Akash Baba, अभिनेता कुणाल सिंह के बेटे आकाश सिंह और अंजना सिंह की भोजपुरी फिल्म चोर मचाए शोर की शूटिंग हुई लास्ट गाने के साथ पूरी अब यह फिल्म तैयार है, मगर रानी चटर्जी इसको लेकर काफी उत्साहित है और कहती है चोर मचाए शोर में बहुत मजा आने वाला है। इसमें कॉमेडी, एक्शन, रोमांस का जबरदस्त तड़का लोगों को मिलेगा। देखना यह होगा आकाश सिंह किसको मिलते हैं, अंजना सिंह या रानी चटर्जी को। पॉसिबल नहीं है, नहीं, नहीं, लड़के नहीं, का क्या होगा वो सोचिए आप पहले। लेकिन ये इंटरेस्टिंग होगा देखना पूरी फिल्म में कि हीरो किसे मिलेगा, क्योंकि हम दोनों की जो पूरी फिल्म में हम दोनों इसी तरह से लड़ रहे हैं। एक्चुअली ये जो हम कुछ देर पहले थे, ये हम कैरेक्टर्स में थे, हम दोनों पूरी फिल्म में इसी तरह लड़ रहे हैं, बट एंड में क्या होगा ये देखने लायक होगा। और हीरो है और आई थिंक अंजना भी चोर ही है इस फिल्म में। मैं पुलिस हूँ। अच्छा, यस। आपने कहीं से ट्रेनिंग लिया पुलिस का? नहीं। कैसे पुलिस बन गया? पिछले दिनों आप जेल में डांस कर रहे थे। हाँ, मैं थोड़ा डांसिंग वाली पुलिस हूँ, जो डांस भी करती है और एकदम राउडी पुलिस, राउडी पुलिस। और यू नो, इस फिल्म में सस्पेंस है मेरा कैरेक्टर और बहुत ही अलग अलग तरह का मेरा लुक नज़र आएगा। कभी नौटंकी वाली बन के पहुँच जाती है, कभी चोर बन के भी पहुँची हूँ मैं कहीं पर। एक्चुअली चोर से दोस्ती करने के लिए मुझे चोर बनना पड़ा है पिक्चर में। अगर दोस्ती अच्छी हो तो चोर भी बन जाना चाहिए। कई सारे शेड्स मेरे इस, हाँ तो बस मैं भी उसी तलाश में आई हूँ। एक्चुअली मैं उस गांव में, क्योंकि उस गांव में मैक्सिमम सब वही काम करते हैं, गांजा फीमे ही बेचते हैं, वहाँ की लड़कियाँ भी वैसे ही काम करती हैं, तो उसी की तहकीकात के लिए मैं गांव पहुँचती हूँ। और आज उसी का सीक्वेंस है जी? नहीं, आज हम लोगों का आई थिंक लास्ट डे है। हमारी फिल्म कंप्लीट हो रही है और ये फिल्म का एंड शूट हो रहा है, क्योंकि सब कुछ तो हो जाता है, विलन को भी मार दिया जाता है, सारी चीज़ें हो जाती हैं, मगर ये फैसला नहीं हो पाता कि हीरो आखिर मिलेगा किसको, तो उसकी शूट आज हम कर रहे हैं। लास्ट में किसको मिलता है वो तो फिल्म, ये सस्पेंस है किसको मिलता है। और काफी दिनों तक शूटिंग चली, शेड्यूल वाइज हुआ एक्चुअली। इसके शेड्यूल्स कभी मुंबई में हुए तो कभी गुजरात में हुए, कभी आउटडोर बने। और इतने सारे एक्टर हैं एक्चुअली इस फिल्म में, जैसे अंजना का पोर्शन बिल्कुल अलग था जहाँ मैं नहीं थी, मेरा पोर्शन अलग था जहाँ अंजना नहीं थी, गांव का पोर्शन, विलन का पोर्शन, तो इतने तो सब। ये पूरी फिल्म ट्रैवलिंग है, थ्रू आउट फिल्म ट्रैवल करेगी हर जगह, कहीं स्टे नहीं है कि एक पर्टिकुलर गांव में ही स्टोरी ख़त्म हो रही है, ऐसा नहीं है। कभी रेलवे स्टेशन है, कभी शहर है, कभी पुलिस स्टेशन है, थ्रू आउट ट्रैवलिंग है फिल्म में। तो क्या बोलूं, ठीक है, कंफर्टेबल थी। आप ऐसे क्यों प्रूव करें कि इश्क की दुश्मन है? इन्हें बहुत खटकता है कि इनके जो फिल्म में जो बॉयफ्रेंड हैं वो मेरे पीछे लगे हैं। नहीं नहीं, सॉरी, करेक्ट योर वर्ड्स, आप उसके पीछे लगे हैं। एक्सक्यूज मी अंजना, ऑफ कोर्स गाना तो वही हो रहा है। संभालना चाहिए था ना इन्हें, संभाल तो रही थी। कैसा संभाला? ऐसा ठीक है, आदमी है आप, जेल में डांस कर रहा है मेरे साथ वो। अच्छा, रियल लाइफ में ऐसे तो लड़ती रहती आप लोग? इससे ज्यादा नहीं, हम तो बहुत अच्छे दोस्त थे। तो यहाँ पे बॉयफ्रेंड को लेकर लड़ाई चल रही है, अगर रियल